आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले रिटेंशन प्रक्रिया के दौरान पंजाब ने अपने कप्तान मयंक अग्रवाल को अपनी टीम से रिलीज कर दिया। मयंक अग्रवाल को पहले इस टीम ने कप्तानी से हटाया था और अब मयंक अग्रवाल को आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए ये टीम रिलीज कर चुकी है। मयंक अग्रवाल ने अब रिलीज होने के बाद आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए अपनी नई टीम रिवील कर दी। मयंक अग्रवाल ने यह बता दिया कि आईपीएल 2023 के एडिशन में कौन सी टीम से खेलेंगे। मैं इस वीडियो में आपको मयंक अग्रवाल की नई टीम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कितने करोड़ में कौन सी टीम में बिके, कौन सी टीम की तरफ से आखिर हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं मयंक अग्रवाल की नई टीम की, आखिर कौन सी टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल आईपीएल 2023 के एडिशन में खेलते हुए देखेंगे। तो मयंक अग्रवाल ने यह बताया कि इनको यहां पर लंबे समय से पंजाब के ओनर्स ने यह बता रखा था कि वो इनको कप्तानी से हटाएंगे और इसके साथ ही टीम से भी यहां पर रिलीज करेंगे। तो मयंक अग्रवाल तो पहले से ही तैयार थे कि आईपीएल 2023 के एडिशन में ये नई टीम का भाग बनेंगे। ऑलमोस्ट यहां पर जुलाई के महीने से ही इनको ये पता था कि अक्टूबर नवंबर में ये रिलीज होंगे और यहां पर ऑक्शन का भाग बनेंगे। तो मयंक अग्रवाल से लगभग यहां पर 3 से 4 टीमों ने क्वेरीज करी थी, 4 टीमों ने इनके साथ बातचीत करी थी, 4 टीमें इनको परचेस करने में यहां पर काफी अधिक इंटरेस्टेड थी। अगर हम बात करते हैं इन 4 टीमों की तो इनमें नाम आता है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है, चेन्नई का और नाम आता है मुंबई इंडियंस का। शायद हैदराबाद की टीम तो इनको अगर परचेस करती है तो इनको कप्तानी भी यहां पर सौंप सकती है। मयंक अग्रवाल ने यह बताया कि इन 4 टीमों ने इनसे यहां पर पूछा था कि ये टीम इनको परचेस करे तो मयंक अग्रवाल इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। तो मयंक अग्रवाल तो करंटली यहां पर किसी भी टीम में जाने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है, हालांकि पंजाब में ये दोबारा जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मयंक अग्रवाल का स्टेटमेंट है कि अगर पंजाब की टीम ऑक्शन में इनको दोबारा परचेस करती है तो यहां पर आईपीएल से रिटायरमेंट तक अनाउंस कर देंगे, आईपीएल का ये दोबारा भाग नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर अब मयंक अग्रवाल इन 4 में से एक टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप मयंक अग्रवाल को कौन सी टीम में देखना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम कितने करोड़ में इनको ऑक्शन में परचेस करेगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।